दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो हर कलर का बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजीली रिमूव होता है वो ग्रीन स्क्रीन है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हम बैकग्राउंड को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों तो वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन करना होगा। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद यहां प्लस के निशान पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद इन तीनों में से किसी भी एक रेशियो को सिलेक्ट करना है। रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां मीडिया को सिलेक्ट करना है। मीडिया को सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी पसंद का कोई भी बैकग्राउंड जो है वो चूज़ करना है। जो बैकग्राउंड आप अपनी वीडियो पर लगाना चाहते हैं उस बैकग्राउंड को आपने चूज़ करना है। तो मैं इस बैकग्राउंड को जो है वो चूज़ करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ वीडियो के साइज़ के मुताबिक। जो है आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसको जो है आपने इसको इंक्रीज करना है, इसको आगे ले जाना है। तो जितनी आपकी वीडियो होगी उतना ही आप इसको जो है आप सेलेक्ट कर लें। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं ठीक पर क्लिक करता हूँ। ठीक पर क्लिक करने के बाद ये जूम आउट हो रहा है, तो ये जूम आउट को मैं बंद करता हूँ। यहाँ इस निशान पर क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं ठीक पर क्लिक करता हूँ। ये कम करने के बाद मैं ठीक पर ओके पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं लेयर पर क्लिक करता हूँ। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक करता हूँ। मीडिया पर क्लिक करने के बाद वो वीडियो जिसका बैकग्राउंड में चेंज करना चाहता हूँ उस वीडियो को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ एक्सपोर्ट में मेरी एक वीडियो बनी हुई है, ये वाली वीडियो आप इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड किस तरह से है और मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो किस तरह से चेंज कर सकता हूँ। तो पहले हम इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, गैर ज़रूरी हिस्सा है, उसको मैं क्रॉप करता हूँ। क्रॉपिंग पर क्लिक जो है वो क्लिक करता हूँ। यहाँ इसका जो ग्रीन स्क्रीन के अलावा जो भी पार्ट है उसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको मैं क्रॉप करता हूँ। तो इसको मैंने क्रॉप किया है। अब इसके बाद ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करने के बाद अब इस वीडियो को मैं बैकग्राउंड के मुताबिक इसको मैं जो है वो एडजस्ट करता हूँ। तो यहाँ इसको एडजस्ट करने के बाद मैं जो है ओके पर क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा और भी ज़्यादा करता हूँ। तो इसके बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद मैं जो है बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो क्रोमा की का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप इसको जो है अपनी पसंद के मुताबिक इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो किस तरह रिमूव हो चुका है और मैं किस तरह इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो इसको एडजस्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद आप इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर भी जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसका जो वीडियो है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरी वीडियो जो है वो किस तरह दिख रही है और किस तरह ये जो है वो तैयार हो चुकी है। तो आप भी इसी तरह से अपनी वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद ये मेरी वीडियो जो है वो अब रेडी हो चुकी है। आप इसका जो इस पर अपनी पसंद के मुताबिक ऑडियो भी लगा सकते हैं और मैं अब यहाँ पर जो शेयर का निशान बना हुआ है, शेयर का निशान है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद इसे एक्सपोर्ट करता हूँ। अपनी पसंद के मुताबिक आप इसको रिजोल्यूशन के मुताबिक आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है इसको 360p पे जो है वो एक्सपोर्ट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरी जो वीडियो है वो अब रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है और एक्सपोर्ट के बाद मेरी वीडियो जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। आप भी इसी तरह से अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली जो तमाम वीडियोस है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।